नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ममा टेल्स। और आप लोग बहुत ही अच्छे समय पे आए हैं क्योंकि ये वीडियो जो है वो तीज का व्लॉग का वीडियो है। मैंने तीज की प्रिपरेशन कैसे की, तीज की पूजा कैसे की, मैं इस वीडियो में सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। मैंने तीज की तैयारी जो है वो दो दिन पहले ही शुरू कर दी थी। तीज 9 सितंबर को था और मैंने 7 सितंबर को ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी बालकनी को क्लीन किया। मैं ये बालकनी जो है हर 15 दिन में एक बार क्लीन करती हूँ, लेकिन इस बार अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी एक हफ्ते पहले, और बाहर जो है वो कंस्ट्रक्शन भी होता रहता है, तो उसकी वजह से बारिश और डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब बारिश और डस्ट एक साथ होते हैं तो जिद्दी दाग हो जाते हैं। इसलिए मुझे स्टीम क्लीनर जो है वो यूज़ करना पड़ता है बाहर क्लीन करने के लिए। तो मैंने स्टीम क्लीनर यूज़ करने के बाद झाड़ू से इसे क्लीन भी कर दिया। ये स्टीम क्लीनर मैंने केमार्ट से लिया था $25 में। इसमें फंक्शंस थोड़े कम हैं, लेकिन ये थोड़ा सस्ता है तो मुझे बहुत ही काम आता है। मैं इसे बाथरूम के ग्राउट्स क्लीन करने, टाइल्स के ग्राउट्स क्लीन करने में भी यूज़ करती हूँ। आज धूप अच्छी निकली थी तो मैंने तीज में जो मैं पहनूंगी साड़ी वो भी मैंने धुल दिया था। इस बार मैंने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मुझे यहाँ पे सिडनी में पता नहीं था कि साड़ी जो है वो कहाँ से खरीदूँ, किससे खरीदूँ। और साड़ी जो है मेनली मैं जो अपनी साड़ी का ब्लाउज़ बनवाती हूँ वो थोड़ा डिज़ाइनर होता है, तो यहाँ पर मुझे वो भी पता नहीं था कि कहाँ पर बुटीक है डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनवाने के लिए। तो मैं इंडिया से 2 साड़ियाँ लेके आई थी जिनमें से एक मैंने धुल के, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये तीज में पहनूंगी। तो मैंने आज वेदर अच्छा था तो मैं उसे भी धुल के और मैंने यहाँ पे डाल दिया। इतना सब करने के बाद, खाना वाना भी खाने के बाद, मैंने फिर अब शाम की चाय का टाइम हो गया था तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ दूध डाला खोवा बनाने के लिए। मुझे गुजिया बनानी है तो इसीलिए प्रसाद में, तीज के प्रसाद में गुजिया बनानी है तो इसीलिए मैं खोवा बनाऊंगी। एक्चुअली मैं खोवा ख़रीदना चाहती थी ताकि मेरा एक काम कम हो जाए, बट खोवा मिला नहीं कहीं भी ऑनलाइन या स्टोर पर। यहाँ पर मैं जो है वो इलायची डाल रही हूँ चाय में, इसीलिए मुझे खोवा मिला नहीं। इसीलिए मैं जो है वो घर पे ही मैंने सोचा कि मैं खोवा बना लूं, और ये सारी प्रिपरेशन मैंने 7 तारीख को ही की थी ताकि मुझे एक दिन में ज़्यादा काम ना हो जाए और मेरे सारे काम अच्छे से निपट जाएं। अब चाय मेरी बन गई है तो मैं और रमन चाय पी लेंगे। तब तक ये खोवा जो है, दूध जो है वो गैस पे रहेगा ही तो मेरा टाइम थोड़ा बचेगा। और इतना सब करते करते शाम भी हो गई थी, ऑलमोस्ट देख यहाँ पे जो है सनसेट हो रहा है और मेरा खोवा जो है अभी तक गैस पे चढ़ा हुआ है। अब खोवा जो है वो बनने की कगार पे है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लीटर दूध लिया था जिसमें मुझे जो है वो 350 ग्राम खोवा बन गया था, तो ऑलमोस्ट अच्छा खोवा बन गया था 1.5 लीटर में। मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क लिया था। थोड़ी मेहनत और टाइम तो लगी खोवा बनाने में, बट गुजिया का टेस्ट जो है इससे बहुत ही अच्छा आया था। और मैंने खोवा जो है क्योंकि प्रसाद के लिए बनाया था इसलिए मैंने तुलसी का पत्ता डाल के उसे रख दिया था ताकि मैं उसे प्रसाद में यूज़ कर सकूं। मैंने इस बार गुजिया जो है वो ओवन में बेक करके बनाने का
ट्राई किया था, डिसाइड किया था मुझे तल के नहीं बनाना था, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही अवन भी क्लीन कर लिया था। वैसे अवन पहले से मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था तो मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ी नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा था कि ये काम मैं 7 तारीख को ही कर लूँ तो मुझे अच्छा रहेगा। वानिया भी बहुत ही छोटी है इसलिए मैं अपने सारे काम पहले से प्लान करती हूँ, ताकि अगर वो कभी भी उठ जाती है या फिर उसका कोई फिक्स रूटीन होता नहीं है, तो इसीलिए मेरे काम जो है वो पहले से हुए रहे तो मुझे भी स्ट्रेस नहीं होता और वानी भी खुशी खुशी रहती है। जब वो मुझे उसको मुझे मेरी नीड होती है तो मैं उसके लिए अवेलेबल रहती हूँ। ये अब मैं 9 सितंबर को मैं खाना बना रही हूँ। इस दिन नहाए खाए होता है, यानी कि आपको शैम्पू करके ही कुछ खाना है और ऐसा कुछ जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है। 30 के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो यहाँ मैं सतपैता बना रही हूँ। सतपैता और चावल बना रही हूँ। सतपैता जो है वो टमाटर और पालक से बनता है और दाल उसमें रहती है। तो अभी तो सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ। We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can say. ये मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और दूसरी तरफ मैं रोटी बना लूंगी। फिर मेरा चावल ऑलरेडी जो है वो बन गया है, वो रेडी हो गया है। तो रोटी एक बार बन जाएगी तो मैं खाना भी रेडी हो जाएगा। खाना बन गया, खाना हमने खा भी लिया। उसके बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खोवे में जो है ये ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिलाकर जो है वो उसे रेडी करना है। मैं ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिलाकर खोवा को जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दूंगी और वो रेडी हो जाएगा। मैंने चीनी भी पीस ली है। अब यहाँ पे मैं मैदा भी जो है वो गूंथ लेती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ गुजिया के लिए। और मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 1 कप मैदा लिया था, उसमें 3 चम्मच घी का मोयन डाला था और उसे दूध से मैंने नीड कर लिया था और उसे फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और तब तक फिर से आज मेरी चाय का टाइम हो गया था तो मैंने और अमन ने चाय पी ली थी, तब तक ये मैदा जो है वो रेस्ट हो रहा था। मैंने गीले कपड़े से ढक के उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। फिर ये हमने सबने मिलकर गुजिया बना ली। रुद्रांश ने बोला कि मैं भी हेल्प करूँगा। चाय पीने के बाद हम लोग सबने मिलकर गुजिया जो बना ली। वानी उस वक्त सो रही थी तो हमें इजी भी हो गया बनाने के लिए। घर में कोई भी काम हो, एक्साइटिंग काम हो, तो रुद्रांश बहुत ही वो हो जाता है कि मामा मुझे भी हेल्प करना है, डैडा मुझे भी हेल्प करना है। तो वो यहाँ पे जो है वो गुजिया को ढक रहा है वो वाइट कलर के क्लोथ से, डैम्प क्लोथ से। और यहाँ पे मैं उसमें जो है गुजिया जब बन गई थी, 1 कप गुजिया में, 1 कप मैदे में इतनी गुजिया बनी और रुद्रांश जो है वो चीनी और दूध के घोल से उसे वो कर रहा है, कोट कर रहा है ताकि उसमें थोड़ा कलर आए।
मैंने गुजिया को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए किया था, बट ये मेरे ओवन में 10 मिनट से बहुत ही पहले हो गया था। तो अगर आप में से कोई भी बेक्ड गुजिया बनाना चाहे तो आप यही रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, और आप चेक करते रहें बार बार, क्योंकि गुजिया जो अगर मैं 10 मिनट्स के पहले चेक नहीं करती तो मेरी गुजिया पूरी जल गई होती। ये देखिए रेडी भी हो गए गुजिया, इसमें अच्छे थोड़े ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आए हैं। ये अब तीज के दिन जो है वो हम लोग जो है वो मूर्ति बना रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं भगवान शिव की, माता पार्वती और गणेश भगवान की। यहाँ पे रुद्रांश जो है वो भी बना रहा है, और वो अपने दे रहा है कि देखो डैडा ये मेरा वाला है। ये रमन इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पॉटरी का शौक है, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं, जितनी हेल्प मिल जाए तीज त्यौहार में उतना ही अच्छा होता है, मना नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी जो भी तीज त्यौहार में हेल्प करते हैं, पुण्य जो है वो पूजा का पुण्य जो है उन्हें भी लगता है। तो यहाँ पे रमन जो है वो तीनों की मूर्तियाँ बना रहे हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की। इसीलिए भी मैंने 7 तारीख को जो है वो बालकनी धुल ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो है वो मूर्ति बनाने के बाद इसे सूखना भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग मिट्टी और पानी से मूर्ति बनाते हैं। तो यूजुअली हम लोग सुबह सुबह ही बना लेते हैं, ताकि ये पूजा रात में होती है तब तक मूर्ति जो है अच्छे से सूख जाए और हम फिर उनकी स्थापना करें और पूजा कर पाएँ अच्छे से। ये देखिए तीनों जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, और अब ये सूखा नहीं है, अभी 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 जस्ट बना है। सूखने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। शिवलिंग बना है और उसके ऊपर नाग देवता भी बने बने हैं, गणेश जी बने हैं, गजानन। इतना सब करते करते फिर मुझे उस दिन दोपहर हो गई थी, 9 तारीख को 30 के दिन। तो फिर मैंने अपना पैर जो है वो आलता से रंगा था, और मैंने नेल्स में भी नेल पॉलिश लगाई थी। एक्चुअली बच्चों के आने के बाद से मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे कभी टाइम मिला है कि मैं नेल पॉलिश लगाऊं, बट आज मैंने सोचा कि आज तो टाइम निकाल के लगाना ही है, और मुझे टाइम मिल भी गया था। मैंने बहुत ही अच्छे से किया था ये सारा कुछ, बहुत मज़ा भी आया था, और फॉर अ चेंज मेरे हाथों को मुझे खुद भी देख के अच्छा लग रहा था, रेड रेड, बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था। और मुझे देख के रुद्रांश जो है वो भी बोल रहा था मामा मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, मैंने उसके भी थोड़े थोड़े डॉट्स कर दिए फ्लावर टाइप का, वो भी खुश हो गया। और मैंने एक दिन पहले यानी 8 तारीख की रात को मेहंदी लगाई थी, तब भी रुद्रांश जो था वो कि मामा मुझे भी मेहंदी लगा दो, तो मैंने उसके हाथों पे उसका नाम लिख दिया था, रुद्र लिख दिया था, RUTRA, वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। फिर अब टाइम आया रेडी होने का। मैंने अपना फुल लुक जो है वो वीडियो के एंड में फोटोज में शेयर किया है, क्योंकि मैं वीडियो लेना भूल गई थी यहाँ पे अपने फुल सारी लुक का। अब फाइनली आई पूजा करने की बारी। पूजा का मुहूर्त जो है वो 8:51 तक था, और उस दिन रमन की मीटिंग जो थी वो 8 बजे ख़त्म हो रही थी। तो हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट हमें मिल गए थे पूजा कंप्लीट करने के लिए, तो वो अच्छा खासा टाइम था। इसमें जो मूर्तियाँ हमने बनाई थी भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति जी की, उनकी पूजा विधिवत होती है फूल अक्षत और सभी कुछ से। माता पार्वती को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, कलश स्थापना भी की जाती है इस पूजा में, और मैं गुजिया का प्रसाद चढ़ाती हूँ। हर कोई अलग अलग तरीके से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैं गुजिया का प्रसाद चढ़ाती हूँ। देवा माता पार्वती पिता महादेव।
पूजा संपन्न होती है जब हम सुबह में भी 3:30-4 बजे के करीब एक बार फिर से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। मेरी जो दीपक था मेरा जो दीपक था वो रात भर ऑलमोस्ट जलता रहा था। मैं बहुत ही खुश थी। जब मैं सुबह आई पूजा करने के लिए तो मैंने देखा कि मेरा दीपक जो है अभी तक जल रहा था, तो मैंने सुबह भी आरती करके अपनी ये पूजा संपन्न की। इसके बाद जो है वो विसर्जन किया जाता है, जो हमने मिट्टी के गौरी गणेश बनाए थे उनका विसर्जन किया जाता है। तो मैंने विसर्जन कर दिया था, घर में ही किया था, और मेरी ये पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यही आशा करती हूँ कि सभी सुहागिनों पे भगवान शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सभी खुश रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपनों के साथ लाइफ को इंजॉय करें। सी यू।